नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मेरा नाम भूमिका है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें जो ना सिर्फ आपको जागरूक करेंगी बल्कि समाज में हो रहे घटनाक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। शुरुआत करते हैं आज ही खास सुर्खियों के साथ। करवा चौथ 2024, आज का दिन पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:53 बजे तक चांद रात में 8:16 पर दिखेगा। दिल्ली में ब्लास्ट, शक्तिशाली शॉक वेव से खिड़कियां टूटी, सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में आई दरार, एमएचए ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा, यमुना नदी में झाग बनने का मुख्य कारण बढ़ता जल प्रदूषण। दिल्ली में धमाका, 2 किलोमीटर तक दूर तक गूंजी आवाज़, जांच में मेटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला। दिल्ली का युवा उद्यमी कुशल अरोड़ा, 4 करोड़ की कमाई के बावजूद ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना, संघर्ष की कहानी सुनाई। चंद्रबाबू नायडू की अनोखी पहल, बच्चा बढ़ाओ योजना से परिवारों को मिलेगा प्रोत्साहन, नया कानून भी लाने की तैयारी। महाराष्ट्र चुनाव, बीजेपी की पहली सूची में देवेंद्र फडणवीस और बावनकुले का नाम शामिल, टिकटों की घोषणा। श्रीलंका क्रिकेट को बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज की टीम से हुई छुट्टी, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में होगा असर। दिल्ली में प्रेम कहानी का दुखद अंत, प्रेमिका ने काटी कलाई, प्रेमी की हुई मौत, रहस्य में लिपटी एक अनोखी घटना। 2025 में संभावित आपदाओं की चेतावनी, नास्त्र दमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार जलवायु संकट और युद्ध की आशंका, कर सकते हैं तबाही। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। फरीदाबाद में पर्स चोर को मिली 5 साल की सजा, न्याय का उदाहरण बनकर उभरी अदालत। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पर्स चोर को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई और ये घटना पिछले साल की है, जब आरोपी ने एक महिला से दिन दहाड़े उसका पर्स छीन लिया था। महिला अपने काम से लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसे निशाना बनाया। महिला ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की गई और उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान महिला ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके पर्स में मौजूद नकद राशि और महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए थे और इस मामले में गवाहों सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस फैसले से स्थानीय निवासियों में संतोष का माहौल है, लोग इसे न्यायपालिका की तत्परता सख्ती का प्रमाण मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे फैसले अपराधियों में डर पैदा करते हैं और सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। पुलिस ने भी नागरिकों से अपील की कि वो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें ताकि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द रोका जा सके। फरीदाबाद में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को देखकर लोग अब अधिक सतर्क रहने लगे और सभी की नज़र इस मामले पर बनी रहेंगी ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा में तेगांव विधायक राजेश नागर का फरीदाबाद में भव्य स्वागत, कहा हरियाणा को बनाएंगे मॉडर्न। हरियाणा के तेगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश नागर रविवार यानी कि आज 20 अक्टूबर को राज्य मंत्री बनने के बाद फरीदाबाद पहुंचे। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सराय इलाके में भी उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। मंत्री बनने के बाद राजेश नागर इतने उत्साहित थे कि वो बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के क्रेन पर चढ़ गए। लोगों का आभार उन्होंने व्यक्त किया। इसके बाद उनका काफिला केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के लिए रवाना हो गया। राजेश नागर ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया। जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा, मैं उनके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा। मैं बेटे और भाई की तरह इनके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने हरियाणा के विकास की बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा हरियाणा मॉडर्न हरियाणा बने। हम इतना विकास करें कि सभी राज्यों में हरियाणा पहले नंबर पर आए। राजेश नागर ने लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद भाजपा पर विश्वास जताया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ललित नागर को लगभग 38,000 वोटों से हराया। 17 अक्टूबर को उन्होंने राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। उसके अलावा फरीदाबाद से भाजपा विधायक विपुल गोयल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिनका भी इसी प्रकार जोरदार स्वागत किया गया। फरीदाबाद में अनियंत्रित कार खाई में पलटी युवक की जान बची।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले के टिकवाली सेक्टर 79 में बीते वीरवार को देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। गनीमत ये रही कि कार सवार युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, उनकी जान बच गई है। घायल युवक के दोस्त पंकज ने बताया कि वो और उसका दोस्त कुंवर साध्यन पास के एक निजी डेंटल कॉलेज में BDS की पढ़ाई कर रहे हैं। कुंवर साध्यन अपनी कार लेकर कॉलेज की ओर आ रहा था, कार के गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जिससे उसे निकालना संभव नहीं था। पंकज ने बताया कि कुंवर साध्यन के नाक पर हल्की चोट आई जिसके कारण खून भी आया। हालांकि गनीमत ये रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई, उसकी जान बच गई। आसपास के लोगों ने मिलकर कुंवर साध्यन की कार से बाहर निकाला। घायल युवक को बाद में पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये घटना युवक के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई लेकिन उनकी सजगता भाग्य ने उन्हें सुरक्षित रखा। हरियाणा में मौसम में बड़ा बदलाव, 24 अक्टूबर को आएगी ठंडी हवाएं। हरियाणा में जल्द ही मौसम बदलने वाला है। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव आएगा जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पाला पड़ेगा। इस परिवर्तन के साथ रात और दिन के तापमान में भारी गिरावट होने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन के तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट आ सकती है। हालांकि अगले 6 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है और इस दौरान दिन में तीखी धूप के कारण लोगों को गर्मी का एहसास भी हो रहा है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार हिसार सबसे गर्म रह रहा है जहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री दर्ज किया गया जबकि रात का न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में अगले 6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है लेकिन तापमान में गिरावट के चलते रात के समय पाला गिर सकता है जिससे सुबह ठंड, शाम को हल्की फुल्की गुलाबी गुलाबी ठंड महसूस होगी। इस बीच पराली जलाने के कारण हरियाणा की आबो हवा बिगड़ रही है। अधिकांश जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब श्रेणी में पहुँच गया है और बहुत खराब श्रेणी तक पहुँच गया है। कैथल जिले का AQI 320 तक पहुंच गया जबकि पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ में भी AQI 200 से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मॉनसून से अब तक संतोषजनक प्रदर्शन किया है जिसमें 406.4 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से महज 4% कम है। नूह, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है जबकि करनाल, यमुनानगर, पंचकुला में कमी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम में बदलाव आ रहा है लेकिन लोगों को अगले कुछ दिनों में ठंडी हवाओं का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो ये था आज का बुलेटिन और ऐसे अनेक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।